तो भाई हम लोग उड़ाएंगे अपनी काली पतंग। यार यहाँ से ये फटी हुई है, इधर थोड़ा सा रखने में हो सकता फट गई, इसको टेप लगाएंगे यार, सही चले बस पतंग। जहाँ जैसे टेप लगा दो तो यार थोड़ा सा पतंग जो है घूमने लगती है कोनों से अगर फट जाए। कोई नहीं, टेप लगा के अपनी पतंग हो जाएगी सही। तो अब हम लोग अपनी पतंग बढ़ाने जा रहे हैं। आज हवा जो है बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत तेज़ हवा थी, पीछे पेंच भी हो रहे थे। मैंने सोचा यार विंड ठो लूँ, तो यार इस हवा में तो यार विंड ठोएंगे तो फिर अपनी पतंग चली जाएगी, इससे बढ़िया पेंच लड़ा लो। तो यार ऐसा हुआ कि पतंग जो थी अपनी भीग गई। आप लोग देख रहे होंगे ये पानी पड़ा हुआ इधर, तो भाई अब रुकना पड़ेगा, इस पतंग को सूखने का इंतज़ार करना होगा। ये टंकी भर जाती तो इससे पानी इधर आ जाता है। तो भी यार भीग गई अपनी पतंग, कोई नहीं थोड़ी सूख गई। देखो अभी थोड़ी देर में उड़ाएंगे अभी फिर। तो भाई अपनी पतंग सूख गई, ये हमारी झपकी पतंग की, ये लो अपनी पतंग भाई साहब भर गई। एक तो यार ये गिठाएं जो होती हैं बहुत फंस जाती हैं चरखी में, पहले यार गिठाएं सही करो फिर पतंग कहीं जाके लंबी। तो यहाँ अपनी पतंग लंबी हो गई। तो यहाँ पे भाई यार एक पतंग पेड़ लड़ाने आई और यार गिठा फंस गई थी, तो मैं अपने डोर में वो क्या नाम चरखी में जो गिठाती यार उसी को निकालते हो गया, तो पतंग उधर चली गई। फिर यार खींचा तानी के पेंच, ये देखो भाई आज पतंगे यार पता नहीं इतनी ढेर उड़ क्यों रही हैं, और जबकि बोर्ड के पेपर भी चल रहे हैं तब भी देखो लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं खूब। ये भाई पतंग आई पेंच लड़ाने, अब वो अपने लोगों ने काट दी। तो भाई